हेलो स्टूडेंट, स्कूल मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल करेंगे। यहां पर फॉर्मूले लिखे हुए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। दूसरे का पहला है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 63 डिग्री। तो या तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, इस पहले वाले को बदलेंगे या फिर इसको बदलेंगे। या तो कोसेक को बदलो या सेक को बदलो। कल हमने बट्टे वाले सवाल में क्या किया था, पहला जो सवाल था बट्टे वाला, उसमें क्या किया था, ऊपर वाले को बदला था। बट्टे वाले सवाल में किसको बदला था, ऊपर वाले को बदला था, मतलब ऊपर वाले के अंदर फॉर्मूला लगाया था। तो आज हम इस माइनस वाले सवाल में क्या करेंगे, इस पहले वाले को बदलेंगे। पहला कौन है, कोसेक 25 डिग्री, कोसेक है ना, तो कोसेक का फॉर्मूला ढूंढो। कोसेक ये रहा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रहा कोसेक का फॉर्मूला। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कल की तरह इसको यहां पर लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो सवाल में कोसेक के पास क्या है, 25 डिग्री। तो हम भी क्या करेंगे, कोसेक के पास कितना लिख देंगे, 25 डिग्री। इसका मतलब थीटा की जगह कौन आया, 25 बराबर का बराबर सेक का, सेक 90 डिग्री का, 90 डिग्री माइनस का, माइनस थीटा की जगह कौन आया, 25 डिग्री। तो यहां पर भी थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 25 डिग्री। तो कोसेक 25 का, कोसेक 25 बराबर सेक 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना होता है, 90 माइनस 25 होता है 65 डिग्री। तो कोसेक 25 किसके बराबर है, सेक 65 डिग्री के। कोसेक 25 किस में बदला, सेक 65 में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोसेक 25 की जगह क्या लिख देंगे, सेक 65। क्यों, क्योंकि कोसेक 25 किस में बदला है, सेक 65 के अंदर। तो कोसेक 25 की जगह लिख देंगे सेक 65 डिग्री माइनस, यहां पर भी क्या है, सेक 65। तो एक जैसे, तो एक जैसे घटेगा तो आंसर कितना आया, जीरो। आसान सा सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा करते हैं अपन, इसका दूसरा है कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। क्या है इसका दूसरा, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री, ये है, ठीक है। तो माइनस वाले सवाल में किसको बदलते हैं, आगे वाले को, आगे कौन है, कोट। तो यहां पर कोट का फॉर्मूला ढूंढो, कोट का फॉर्मूला ये रहा, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, ये रहा ना कोट का फॉर्मूला, क्या है, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले को साइड में लिख लेंगे, कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोट के पास क्या आ रहा है, 34 डिग्री। तो यहां पर भी कोट के पास कितना लिख देंगे, 34 डिग्री। टेन का टेन, 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस का, माइनस थीटा की जगह कौन आया, 34। तो यहां पर भी थीटा की जगह कौन आएगा, 34 डिग्री। तो कोट 34 डिग्री का कोट 34 डिग्री बराबर टेन का टेन, और 90 माइनस 34 कितना आता है, 90 माइनस 34 होता है 56 डिग्री। तो बताओ कोट 34 डिग्री किस में बदला, टेन 56 डिग्री में। कोट 34 डिग्री किस में बदला, टेन 56 डिग्री में। तो यहां पर कोट 34 की जगह क्या लिख देंगे, टेन 56, क्योंकि कोट 34 किस में बदला था, टेन 56 में ना। तो यहां पर कोट 34 की जगह क्या लिख दिया, टेन 56 माइनस का माइनस टेन 56 का, टेन 56। कल की तरह देखो एक जैसे बन गए, तो एक जैसे माइनस होते हैं तो आंसर कितना आता है, जीरो। ये भी खत्म, आसान सा सवाल था। अब आगे वाले और करते हैं इसके। तो अब अपन प्रश्न नंबर 2 के तीसरे सवाल को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है, साइन 36 डिग्री बट्टा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री बट्टा कोस 36 डिग्री। ये बट्टे वाला सवाल है, और बट्टे वाले सवाल में हम किसको चेंज करते हैं, बट्टे वाले सवाल में हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो यहां पर ऊपर कौन है, साइन, ठीक है। इस बट्टे वाले में ऊपर कौन है, साइन, और ये जो इस साइड बट्टे में है उसमें भी ऊपर कौन है, साइन। मतलब साइन का फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा, दो बार लगाना पड़ेगा। दो बार क्यों लगाना पड़ेगा, देखो दो है बट्टा, ये साइन बट्टा कोस अलग है और ये साइन बट्टा कोस अलग है।
तो इसके लिए ऊपर कौन है साइन, मतलब साइन का फॉर्मूला लगेगा। इस बट्टे में ऊपर कौन है साइन, मतलब फिर से साइन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ऊपर है साइन, तो साइन का फॉर्मूला ये रहा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये रहा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले को अपन इस यहां पर साइड में लिखते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ साइन के पास कितना है, 36, साइन के पास कितना है 36, तो हम साइन के पास कितना लिख देंगे 36 डिग्री। थीटा की जगह कौन आया 36, बराबर का बराबर कोस का कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री का 90 डिग्री, माइनस का माइनस, थीटा की जगह कौन था 36, तो यहां पर भी थीटा की जगह 36, तो साइन 36 का साइन 36 बराबर कोस, और 90 माइनस 36 कितना होता है, 90 माइनस 36 होता है 54 डिग्री। तो देखो साइन 36 किस में बदल गया, कोस 54 में, तो इस बट्टे वाला का ऊपर वाला बदल गया ना, इसके लिए तो फॉर्मूला लग गया। अब इस बट्टे वाले में ऊपर कौन है साइन, मतलब साइन का फॉर्मूला दोबारा, तो साइन थीटा बराबर क्या, ये रहा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर साइन के पास कितना है, यहां पर साइन के पास है 54, तो यहां पर हम साइन के पास कितना लिख देंगे 54 डिग्री, मतलब थीटा की जगह कौन आया 54, कोस का कोस 90 का 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कौन आया था 54, तो यहां पर भी थीटा की जगह 54, तो ये आ गया साइन 54 डिग्री। कोस 90 माइनस 54 कितना हुआ, 90 माइनस 54 होगा 36, 90 माइनस 54 की जगह 36, तो बदल गया साइन 36 तो बदला था कोस 54 में, और साइन 54 किस में बदला, कोस 36 में। तो क्या करेंगे, बस अभी साइन 36 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 36 किसके बराबर है कोस 54 के, तो साइन 36 की जगह लिख देंगे कोस 54, और बटे में भी कौन है, बटे में है कोस 54, माइनस का माइनस, यहां पर कौन है साइन 54, साइन 54 किस में बदला था कोस 36 में, तो साइन 54 की जगह लिख देंगे कोस 36, बट्टा बटे में भी कौन है, बटे में है कोस 36, तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एक जैसे हो गए, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट हो गया, कितना है 1, माइनस का माइनस, यहां पर भी नीचे वाला ऊपर वाला एक जैसा, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट हो गया, तो कितना बचा 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। इजी सा सवाल था, बस करना क्या था कि दो बट्टे में आए थे, तो इस बट्टे में ऊपर कौन था साइन 36, उसको भी बदल दिया, इस बट्टे में ऊपर कौन था साइन 54, उसको भी बदल दिया, और दोनों मान यहां पर रख दिए और सवाल खत्म। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 का चौथा कर रहे हैं अपन, प्रश्न नंबर 2 का चौथा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। एकदम आसान सा सवाल है, देखो ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का साइन थीटा, और ये देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, तो इस कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस, ये कोस थीटा का कोस थीटा, और यहां पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के, तो इस साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस थीटा, तो साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और प्रश्नावली 7.1 के अंदर हमने पढ़ा ही था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1, ये सवाल खत्म, आसान सा सवाल था एकदम। अब अपन सवाल नंबर 3 करते हैं, सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, सवाल नंबर 3 का पहला है साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो वही यहां पर पहले कौन आ रहा है, इस साइड में पहले कौन आ रहा है साइन 70, तो मतलब साइन 70 को बदलेंगे, और यहां पर पहले कौन आ रहा है कोस 20, मतलब कोस को बदलेंगे, तो मतलब एक बार साइन का भी फॉर्मूला लगेगा और एक बार कोस का भी फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पहले साइन आ रहा है
तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर पहले कोस आ रहा है तो कोस का फॉर्मूला लगेगा। हम यही तो करते हैं बट्टे वाले सवालों में, तो क्या करते हैं ऊपर वाले को बदलते हैं, और माइनस वाले सवालों में आगे वाले को बदलते हैं। यहाँ पर पहले साइन है तो साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पर पहले कोस है तो कोस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कौन है यहाँ पर, साइन, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन के पास कितना है 70, साइन के पास कितना है 70, तो यहां पर भी साइन के पास कितना लिख देंगे 70, तो थीटा की जगह कौन आया 70 कोस का, कोस 90 डिग्री का, 90 डिग्री माइनस का माइनस थीटा की जगह कौन 70, तो यहां पर भी थीटा की जगह कौन 70, तो ये आया साइन 70 डिग्री बराबर कोस 90 माइनस 70 कितना होता है 90 माइनस 70 होता है 20 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री किसमें बदल गया कोस 20 डिग्री में, तो ये तो बदल गया। अब यहां पर पहले कौन है कोस, तो कोस का फॉर्मूला लगाते हैं, कोस का फॉर्मूला ये रहा कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, क्या है फॉर्मूला कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पर कोस के पास कितना है 20, तो यहां पर भी कोस के पास कितना लिख देंगे 20 डिग्री, मतलब थीटा की जगह कौन आया 20, साइन का, साइन 90 का 90, और थीटा की जगह कौन आएगा 20, और देखो कोस 20 डिग्री का कोस 20 डिग्री बराबर साइन, और 90 माइनस 20 कितना होता है 90 माइनस 20 होता है 70, तो कोस 20 किस में बदल गया साइन 70 में। तो अब देखो आगे इस साइन 70 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 70 किस में बदला था कोस 20 में, तो इस साइन 70 की जगह लिख देंगे कोस 20 डिग्री, और ये रहा सेक 20 डिग्री, माइनस का माइनस यहां पर पहले कोस था तो कोस को बदला था हमने, तो कोस 20 किस में बदला था, कोस 20 बदला था साइन 70 डिग्री में, तो कोस 20 की जगह क्या लिख देंगे साइन 70, तो इस कोस 20 की जगह लिख दिया साइन 70 डिग्री, और कोसेक 70 डिग्री का कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब बस हमारे जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे 7.1 में वो फॉर्मूले काम आने वाले हैं। देखो कैसे, सेक थीटा बराबर क्या होता था एक बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता था एक बटे कोस थीटा, तो ये देखो कोस 20 डिग्री का कोस 20 डिग्री, यहां पर सेक 20 डिग्री है तो मतलब थीटा की जगह कौन है 20, तो यहां पर भी थीटा की जगह कौन आएगा 20, मतलब सेक 20 डिग्री बराबर क्या होता है एक बट्टे कोस 20 डिग्री, तो इस सेक 20 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे एक बट्टे कोस 20 डिग्री, माइनस का माइनस साइन 70 डिग्री का साइन 70 डिग्री, कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता था कोसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा, तो कोसेक के पास कितना है 70, तो देखो यह 70 यह 70, तो बताओ कोसेक 70 डिग्री बराबर क्या आया एक बट्टे साइन 70 डिग्री, तो इस कोसेक 70 डिग्री की जगह लिख देंगे एक बट्टे साइन 70 डिग्री। तो मैंने यह फॉर्मूला क्यों लगाया, इसलिए लगाया था कि इस कोस 20 से यह कोस 20 कट हो जाए, और इस साइन 70 से यह साइन 70 कट हो जाए, तो यहां पर क्या बचा एक, माइनस का माइनस यहां पर भी क्या बचा एक, और एक माइनस एक कितना होता है जीरो, सवाल खत्म, आसान सा सवाल था एकदम। और ये नीचे वाला आपको नहीं लिखना है, ये साफ कर देना, ठीक है, ये उतार लेना और ये उतार लेना, आप पेपर में जब सवाल करो तो आपको ये साइड में करके दिखाना है। ओके, तो सवाल नंबर 3 का दूसरा करते हैं, सवाल नंबर 3 का दूसरा है 2 cos 67° बटा साइन 23° माइनस 10 40° बटा कोट 50° माइनस कोस 60°। इस सवाल के अंदर एक फायदा हो गया, कोस 60 है, कोस 60 का मान हमें पहले से पता है, कोस 60° बराबर कितना होता है 1/2। इस सवाल में क्या आया कोस 60° है, जो 9th क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं, जो आपकी प्रश्नावली नंबर 6 है, जो आपकी प्रश्नावली नंबर 6 है उसमें आपको 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पता होता है। जब मैं आपको प्रश्नावली नंबर 6 पढ़ाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो जो 9th क्लास के बच्चे उनको ध्यान में रखना है कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पर बटे वाला सवाल है। बटे वाले सवाल में हम किसको चेंज करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। बटे वाले सवाल में किसको चेंज करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। अब यहां पर देखो, कोस 67 डिग्री बट्टा साइन 23 डिग्री, इस बटे वाले सवाल में ऊपर कौन है, कोस, इसमें ऊपर कौन है, कोस, मतलब कोस का फॉर्मूला लगेगा। और यहां पर एक बट्टे में अलग लिखा हुआ है टेन बटा कोट, इसमें ऊपर कौन है, टेन, मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का। गौर से देखो, कोस 67 डिग्री बट्टा साइन 23 डिग्री, तो ये वाला बट्टा तो अलग है और ये वाला बट्टा अलग है। इस वाले बटे में ऊपर कौन है, कोस, मतलब कोस का फॉर्मूला लगेगा। और इस वाले बटे में ऊपर कौन है, टेन, मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का फॉर्मूला लगेगा। तो अब ऊपर कोस है ना, तो कोस का फॉर्मूला ढूंढो। ये रहा कोस का फॉर्मूला, ये रहा कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले को अपन यहां लिखते हैं, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बताओ कोस के पास कितना है, 67 डिग्री, तो यहां पर भी कोस के पास कितना लिख देंगे, 67 डिग्री। बराबर का बराबर, साइन का साइन, 90 डिग्री का 90 डिग्री, माइनस का माइनस, थीटा की जगह कौन आया, 67। तो यहां पर भी थीटा की जगह कौन आएगा, 67। कोस 67 का कोस 67 बराबर साइन, और 90 माइनस 67 कितना होता है, 90 माइनस 67 होता है 23 डिग्री। तो यहां पर ऊपर कोस था तो कोस को चेंज कर दिया, कोस 67 डिग्री बराबर साइन 23 डिग्री, मतलब कोस 67 डिग्री किस में चेंज हुआ, साइन 23 डिग्री में। यहां टेन बटा कोस, इस वाले बटे में ऊपर कौन है, इस वाले बटे में ऊपर कौन है, टेन है, मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का। तो ये देखो, टेन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये रहा टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन यहां लिखते हैं, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन के पास कितना है, 40, तो यहां पर भी टेन के पास कितना लिख देंगे, 40। तो थीटा की जगह कौन आया, 40। बराबर का बराबर, कोट का कोट 90 डिग्री का 90 डिग्री, माइनस का माइनस, थीटा की जगह किसको लिखा था, 40। तो यहां पर भी थीटा की जगह 40। ठीक है, अब देखो, टेन 40 डिग्री का टेन 40 डिग्री बराबर कोट का कोट, और 90 माइनस 40 कितना होता है, 90 माइनस 40 होता है 50 डिग्री। तो क्या मैंने इस ऊपर वाले को 67 डिग्री को साइन 23 डिग्री में बदल दिया, और यहां पर ऊपर कौन था, टेन 40 डिग्री, तो टेन 40 डिग्री किस में बदल गया, कोट 50 डिग्री में। दोनों को बदल दिया, आप देखो, ये दो का दो, ये दो का दो, कोस 67, कोस 67 किसके बराबर है, साइन 23, साइन 23 डिग्री का, मतलब कोस 67 किसमें बदला था, साइन 23 डिग्री में। तो यहां पर कोस 67 डिग्री की जगह लिख देंगे साइन 23 डिग्री, और बटे में कौन है, बटे में पहले से साइन 23 डिग्री है, तो एक जैसे बन गए, तो कट हो जाएंगे ये, तो माइनस का माइनस, टेन 40 डिग्री, तो टेन 40 डिग्री किसमें बदला था, कोट 50 डिग्री में। तो मतलब टेन 40 की जगह क्या लिख दूं, कोट 50, तो इस टेन 40 की जगह लिख दिया कोट 50 डिग्री। बटे में कौन है, बटे में भी है कोट 50 डिग्री। माइनस का माइनस, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो कोस 60 की जगह लिख दिया 1/2। ठीक है, तो देख, ये देखो, ऊपर नीचे एक जैसा बन गया, ये तो फिक्स है कि बटे वाले सवाल में ऊपर नीचे एक जैसा बनना है, तो इस नीचे वाले से ऊपर वाला कट हो गया, कितना बचा, 2, माइनस का माइनस, इस नीचे वाले से ऊपर वाला कट हो गया, कितना बचा, 1, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2। अब देखो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2। तो अब लघुतम आ रहा है, लघुतम कैसे लेते हैं, मैंने बताया, एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, नीचे वाले दोनों को आपस में, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2, माइनस का माइनस, 1 को इस 1 से गुणा किया, 1, बट्टा नीचे वाले दोनों को आपस में, यहां पर नीचे 1 और यहां पर नीचे 2,
एक को दो से गुणा किया, दो, तो दो माइनस एक कितना हुआ, एक बटे दो का दो, ये आंसर आ गया। तो ये लघुतम मैंने ट्रिक से लिया है, आप अपनी जो रोजाना जिस तरीके से लघुतम लेते हो उस तरीके से भी ले सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो गया, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अपन सवाल 4।